अनूप जलोटा। इनका नाम ही अपने आप में बेहद बेशुमार है। इनको किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है ये। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन गाने वाले मशहूर भजन सम्राट अनूप जलोटा का आज जन्मदिन है। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन यानी 29 जुलाई 1953 को उनका जन्म नैनीताल में हुआ था। अनूप जलोटा की जिंदगी तो वैसे विवादों में कभी नहीं रही, लेकिन जैसे ही उन्होंने बिग बॉस 12 में कदम रखा और वो कॉन्ट्रोवर्सी के सुपरस्टार हो गए। आज उनका जन्मदिन तो है, इस मौके पर हम आपको बता रहे हैं उनसे जुड़ा एक बेहद बड़ा विवाद। बिग बॉस के 12वें सीजन में अनूप जलोटा जसलीन माथुर के साथ पहुंचे थे। जी हाँ दोस्तों, ये वही अदाकारा हैं जिन्होंने अनूप जलोटा को अपना हमसफर बताया था। जसलीन ने शो में एंट्री करते वक्त ये कहकर सबको चौंका दिया था कि अनूप जलोटा की गर्लफ्रेंड है। इसके बाद से देश के लोगों की नज़र इस फेक कपल पे टिकने लगी और सोशल मीडिया पर भी इनका शोर दूर दूर तक जा पहुँचा। शो से बाहर होने के बाद ही अनूप ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि जसलीन उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। जसलीन सिर्फ उनसे संगीत सीखती हैं, दोनों का गुरु और शिष्य का रिश्ता है। वहीं जसलीन के पिता ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनूप संग इन सब बातों पर सफाई पेश की थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शो में बरकरार रही जसलीन लगातार अनूप को अपना बॉयफ्रेंड बताने से रुक नहीं रही थी। लेकिन जसलीन भी शो से बाहर हुई तो उन्होंने लव स्टोरी का खुलासा करते हुए बम फोड़ दिया। उन्होंने बताया कि ये सब शो में फेमस होने के लिए किया था और इस बात की खबर अनूप जलोटा को भी नहीं थी। ये सब उनकी सोची समझी रणनीति थी। वाकई बॉलीवुड के स्टार हों या कॉन्ट्रोवर्सी से जुड़े कोई अहम व्यक्ति, फेम पाने के लिए लोग क्या क्या कर जाते हैं, इसका जीता जागता सबूत यहाँ है। इसके बाद एक इंटरव्यू में जसलीन को लेकर अनूप जलोटा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वे जसलीन के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक लड़का यानी उसके लिए वर ढूंढ रहे हैं जो उसे बेहद प्यार करे और उनके साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करे। उन्होंने कहा था कि जसलीन का हमेशा अच्छा ही सोचते आ रहे हैं, बिग बॉस में जो था वो सब टीआरपी के लिए था। मैं आपको बता दूँ कि जसलीन माथुर फिलहाल बिग बॉस के ही एक कंटेस्टेंट को डेट कर रहे हैं जिनका नाम शिव है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से ज्योति की रिपोर्ट।